मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बस सरेआम लड़की छेड़ते हैं, उसके बाद राजीनामे के लिए दबाव बनाते हैं, राजीनामे से इनकार किया तो गोली मार देते हैं। यह खबर एमपी के पुलिस सिस्टम पर सवालिया निशान लगाती है। छतरपुर में ऐसा लगता है कि यहाँ गुंडा राज आ गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुरहा में 2 माह पहले भोला अहिरवार नाम का बदमाश एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है। उसके बाद जब पुलिस कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करती है तो बदमाश भोला राजीनामा करने के लिए पीड़ित लड़की और उसके परिजनों पर दबाव बनाता है। जब ऐसे भी बात नहीं बनती तो वो गोली मारकर पीड़िता के वृद्ध रिश्तेदार गजराज अहिरवार की हत्या कर देता है। इसके बाद वो पीड़ित लड़की सहित 2 लोगों को और गोली मारता है। इनकी हालत गंभीर है। इस घटना में मृतक की पीड़िता नातिन है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भोला अहरवार हमारे घर में तो भोला अहरवार भर आया था, हमको बाहर पता ही नहीं, हम बाहर गए कोई नहीं मिला, हमारे दादाजी दुकान के अंदर डरे मिले, हमें बहन भाग गई थी, हमको गोली चाचा को रास्ते में मार दी गोली। हमने तो भोला ही भर को देखा है, पहले से हमारी छेड़खानी की रिपोर्ट लिखी थी, उसकी वजह से उन्हें रिपोर्ट मतलब गोली मारी हमारी। मोराहा गाँव में एक घटना हुई है जहाँ पर एक व्यक्ति 24 वर्ष का जो है भोला अहरवार, उसने फायरिंग किया और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बाकी जो 2 हैं उनका उपचार किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। इसी तारतम्य में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हो गई थी, सिविल लाइन की पूरी टीम और बाकी पूरी छतरपुर पुलिस लगी है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को अरेस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।